Today lecture is about xerography. It is an application of first electrostatics. First application is xerography. Our other name is photocopier. It's an application of the electrostatics, xerography or photocopier. The word xerography is come from the Greek word. The copying process is called xerography. फिर जब आप फ़ोटो कापी कराते हैं ठीक है जितने डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मल आप लोगों ने आप करवाए हुए होंगे तो वो जिस मशीन के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटो कापी कराते हो उसको हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ज़ीरोग्राफ़ी कहते हैं और उस मशीन को ज़ीरोग्राफ कह सकते हैं या फोटो कापी मशीन कह सकते हैं अब ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ज़ीरोग्राफ़ी एक ज़ीरो और दू, दूसरा ग्राफिक्स ज़ीरोज़ का क्या मतलब है ड्राई और ग्राफिक्स का क्या मतलब होता है राइटिंग तो ज़ीरोग्राफी दोनों का कम्बिनेशन से जो हमें मीनिंग मिलता है वो हमारे पास क्या है ड्राई राइटिंग सो ज़ीरोग्राफ़ी मीनस ड्राई राइटिंग एंड इट्स अ ग्रीक वर्ड ज़ीरोग्राफ़ी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है क्योंकि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है एक जो है ज़ीरोज़ और दूसरा ग्राफिक्स ज़ीरो का मीन ज़ीरोज़ मीन ड्राई और ग्राफिक्स का मीन राइटिंग अच्छा अब हम इसका जो है हमें इंटरनल पार्ट देखेंगे कि जो जीरोग्राफी जीरोग्राफ़ी मशीन होती है या फोटोकॉपियर मशीन होती है उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं और वो कैसे वर्क करती है सात फिगर आ, देखते जाएं फिगर में भी शो किया गया जो इसके इंपॉटेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं पहले एलुमीनियम ड्रम ठीक है मिडल में आपके पास जो है सर्कुलर ड्रम रिटर्न लिखा हुआ है उसके ऊपर ड्रम ये एलोमिनियम मटेरियल होता है कंडक्टर होता है जिससे ये बना हुआ होता है दूसरा पार्ट इस ड्रम के ऊपर ही देखें एक साइड पे क्या लगा हुआ है लैंप लैम्प का क्या फंक्शन होगा ये हमें लाइट प्रोवाइड करेगा जब हमें लाइट की ज़रूरत होती है तो लाइट प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर लैम्प लगाते हैं फिर ड्रम के साथ हमने एक अटैच किया हुआ है टोनर टोनर कैरेज कंटेनिंग द ब्लैक टोनर डस्ट ये ब्लैक इंक जो हमारे पास फोटोकॉपी मशीन में इंक यूज़ होती है उसको हम टोनर कहते होते हैं पाउडर फॉर्म में होता है साथ कंटेनर होता है ड्रम के साथ अटैच होता है जिसके अंदर इस टोनर को प्लेस किया जाता है ड्रम की दूसरी साइड पर रोलर्स लगे हुए होते हैं ठीक है जैसे रोलर्स आपने देखा होगा सड़कों वगैरह पे रोलर्स फेरते हैं वो सर्कुलर होते हैं किसी चीज़ को प्रेस करने के लिए हम रोलर्स को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम हीटर रोलर्स यूज़ करेंगे हीटर रोलर्स यानी कि हॉट होंगे गर्म होंगे फिर एक और लेंस हमने यूज़ किया हुआ है ड्रम के ऊपर लेंस से क्या फंक्शन है कि जब लैंप से लाइट आएगी तो लेंस उस लाइट को क्या करेगा एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा ठीक है लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम रोलर यूज लेंस यूज़ करते हैं तो ये इसके मेन फाइव इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एक एलुमिनियम ड्रम सेकेंड लैम्प थर्ड टोनर फोर हीटेड रोलर एंड फिफ्थ लेंस अब हम इसकी वर्किंग जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये जो है मशीन वर्क करती होती है द हार्ट ऑफ द मशीन इज़ अ ड्रम विच इज़ एन एलुमीनियम सिलेंडर ठीक है सिलेंडर टाइप जो ड्रम है उसकी शक्ल क्या होती है सिलेंडर की तरह होती है और किस मटीरियल का बना होता है एलुमीनियम का बना होता है कोटेड विद लेयर ऑफ़ द सिलीनियम ठीक है? अंदर एलुमिनियम होता है ड्रम एलुमिनियम का बना होता है उसके ऊपर हम एक और मटीरियल की एक हल्की सी लेयर लगा देते होते हैं और वह लेयर किस मटीरियल की लगी हुई होती है वह सिलीनियम की होती है अब इन दोनों मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को हम जो है कंपेयर करेंगे कि एलुमिनियम क्या चीज़ होती है और सिलेनियम क्या चीज़ होती है एलुमीम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ठीक है एलुमिनियम हमारे पास बहुत अच्छा कंडक्टर है बहुत अच्छा कंडक्टर का क्या मतलब है कि इसमें चार्जेस इजीली मूव कर सकते हैं ठीक है कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आसानी से मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं कंडक्टर कहते हैं अब सिलीनियम की क्या है एलुमिनियम तो कंडक्टर है इट मीन्स के चार्जेस कैन ईजीली गो थ्रू द एलोमीनियम एलोमीनियम से एलेक्ट्रॉन चार्जेस आसानी से मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं सिलीनियम की क्या प्रॉपर्टी है सिलीनियम इज़ इन इंसुलेटर इन द डार्क ठीक है जब अंधेरा होगा तो वो इंसुलेटर होगा यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उस पर मूव नहीं कर सकते अगर सिलीनियम को हम डार्क में अंधेरे में रखेंगे लेकिन इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है एंड बिकम्स अ कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट एक्सपोज का मतलब होता है जब लाइट को उसके सामने हम रखेंगे उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा कंडक्टर बन जाएगा यानी फिर इसमें से चार्जेस क्या करेंगे पास कर सकेंगे चार्जेस मूव कर सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकेगी तो एक ऐसा मटेरियल जो अंधेरे में इंसुलेटर हो और रोशनी में कंडक्टर हो जाए उसको हम क्या कहते हैं फोटो कंडक्टर फोटो लाइट से है कंडक्टर जो चार्जेस को करंट को मूव करवा सकते हैं अपने अंदर से पास होने देता है उसको हम क्या कहते हैं फोटो कंडक्टर तो एलुमिनियम क्या है सिर्फ कंडक्टर है? तो है? है और सिलीनियम क्या है फ़ोटो कंडक्टर तो फोटो कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है जो कि लाइट में कंडक्टर होता है और डार्क में क्या होता है इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है तो इसमें हमने जो ड्रम है वह एलुमिनियम का लिया है उसके ऊपर एक कोटिंग की है सिलीनियम की अच्छा अब इसकी वर्किंग कैसे होगी क्या होगा कि इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज़ स्प्रिंकल्ड ओवर द सिलीनियम ठीक है सबसे ऊपर द सिलिनियम है ड्राम के ऊपर अगर हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को फैला देंगे स्प्रिंकल का मतलब है उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को जब फैला देंगे स्प्रिंकल कर देंगे तो इट विल रिमेन देयर एज लॉन्ग एज इट रिमेन इन डार्क कि जब तक वो ड्रम जो है जो सिलीनियम है जब तक वो डार्क में रहेगा लैंप ऑन नहीं होगा उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो तब तक आपके पास जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एज इट इज़ उसके ऊपर जहाँ हमने उसको थ्रो करेंगे वो उधर ही रहेंगे वहाँ से मूव करके ड्रम के किसी और पार्ट की तरफ वो नहीं जा सकते अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एलुमिनियम पासिज़ थ्रू द कंडक्टिंग सिलीनियम एंड्रिलाइजेज़ द पॉजिटिव चार्जेस ठीक है लेकिन जब हम इसको लाइट के अंदर लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एलुमिनियम से वो क्या करेंगे पास करेंगे और सिलीनियम के जो क्योंकि आपके पास एलुमिनियम क्या है कंडक्टर है तो कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं एलुमिनियम से पास होकर जो आपके पास इसके ऊपर हैं सेलेनियम के पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर सकते हैं न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अच्छा जी अब होता क्या है इफ़ द ड्रम इज़ एक्सपोज टू एन इमेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट ठीक है जो सबसे पहले ऊपर देखें ग्रीन कलर का ड्रम के बिल्कुल ऊपर हमने एक पेज रखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है पेज टू बी कॉपीड ठीक है कि जिस चीज़ का एंड फेस डाउनवर्ड जो पेज का हिस्सा हमने कॉपी करना है वो हम ड्रम की तरफ रख देते होते हैं अब क्या होगा द डार्क एंड लाइट एरिया ऑफ़ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग एरियाज ऑन द ड्रम जिस तरीके से राइटिंग हमारे पेज के ऊपर होगी जहाँ पे लिखा होगा वो डार्क होगा जहाँ पे नहीं लिखा हुआ होगा या जहाँ पे फिगर नहीं होगी वो लाइट एरिया होगा तो बिल्कुल वैसा ही इमेज हमारे पास जैसे हम कोई चीज़ रखते हैं तो उसका शेडो नीचे पड़ता है तो इसी तरीके से उस पेज का शेडो क्या पड़ेगा ड्रम के ऊपर पड़ेगा तो ड्रम पे किस टाइप का बनेगा कुछ एरिया डार्क हो जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ होगा और जहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा वो लाइट एरिया हो जाएगा अब इससे होगा क्या सेकंड पॉइंट इसका देख लें द डार्क एरिया रिटेन्स देयर पॉजिटिव चार्ज डार्क एरिया तो वहाँ पे लाइट ही नहीं होगी इसलिए जहाँ जहाँ डार्क होगा लिखा हुआ होगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस उसी तरह ड्रम के ऊपर स्टिक रहेंगे बट द लाइट एरिया बिकम कंडक्टिंग ठीक है लेकिन लाइट एरिया क्या हो गया वहाँ पे सेलेनियम कंडक्टर हो जाएगा और लूज़ देयर पॉजिटिव चार्जेस वो अपने पॉजिटिव चार्जेस उनके ख़त्म हो जाएंगे और वो एलोमिनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ बैल के क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा यानी कि जहाँ पर राइटिंग थी वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हो गए और जहाँ खाली एरिया था वो सारा का सारा क्या होगा न्यूट्रल होगा वहाँ पर चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे थर्ड पॉइंट इसका देख लें इन दिस वे द पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिमेंस ऑन द सेलेनियम सरफेस अब ये जो सेलेनियम सरफेस ड्रम के ऊपर वाली सरफेस है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन से चार्जेस रहेंगे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और पॉजिटिव चार्जेस का कौन सा इमेज होगा जो कि पेज ऑफ द पार्ट हमने उसको कॉपी करना है अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें जब हमारे पास एक इमेज पॉजिटिव चार्जेस का उसके ऊपर बन गया तो उसके बाद फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देन अ स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर कार द टोनर ठीक है टोनर क्या है एक ब्लैक कलर का पाउडर है ठीक है जो कि ड्राई फॉर्म में होता है इस गिवन अ नेगेटिव चार्ज उसको हम कौन सा चार्ज देते हैं नेगेटिव चार्ज देते हैं एंड स्प्रेड ओवर द ड्रम और ड्रम के ऊपर उसको फैला देते हैं इट स्टिक्स टू द पॉजिटिव चार्ज एरिया तो क्योंकि उसको नेगेटिव है तो जो ड्रम के ऊपर कौन से है? चार्जेस मौजूद हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करके तो वो जितना भी पाउडर है ब्लैक पाउडर जिसको हम टोनर कहते हैं जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं उस उस जगह पर जाके आटोमेटिकली वहाँ पर स्टिक हो जाएगा उसके बाद क्या होगा द टोनर फ्रॉम द ड्रम इज़ ट्रांसफर्ड ऑन द शीट ऑफ द पेपर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज़ टू बी कॉपी ठीक है फिर हमने उसको क्या करना है जिस पेपर के ये तो ड्रम के ऊपर टोनर लग गया ना अब ड्रम से हमने पेपर के ऊपर हमने उसको आ, शिफ्ट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं जो साइड पे नीचे की साइड पे हीटेड रोलर्स लगे हुए हैं हीटेड प्रेशर रोलर्स देन मैट्स द दे टोनर इन टू द पेपर विच इज़ आल्सो गिवन एक्सेस पॉजिटिव चार्ज टू तो प्रोड्यूस तो द पर्मेंट इम्प्रेशन ऑफ तो द डॉक्यूमेंट तो ठीक है फिर ये जो हीटेड रोलर्स हैं ये हीटेड एंड गर्म है तो जैसे ये ड्रम के ऊपर हम इसको जहाँ जहाँ पे आपके पास टोनर लगा होगा उसके ऊपर मूव करवाएंगे तो वहाँ पे टोनर क्या होगा मेल्ट होगा और साथ ही हम एक साइड पे पेपर पे जो है वो डाल देते हैं तो जैसे जैसे मेल्ट होता है वैसे वैसे उस पेपर के ऊपर जो है वो लिखा हुआ आ जाता है तो इस तरीके से वो हमारे पास पेपर के ऊपर चला जाता है तो इस तरीके से ये फोटोकॉपी का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है